नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। घर में हो रहे हैं बोर, लेकिन अब नो मोर, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर घर में बोर होने से बचने के लिए आप इस मई के महीने में आखिरी बचे हुए कुछ दिनों में कौन कौन से वेब सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। तो हो जाइए तैयार। सबसे पहला है कटहल। जी हाँ, नाम बड़ा सुना सा लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी है और कहानी भी ऐसी ही अजब गजब है। ये ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर जो है आ चुकी है, 19 मई को ही नेटफ्लिक्स पर ये स्ट्रीम हो चुकी है। और इस फिल्म को टाउन मोबा की कहानी है, ये कटहल गुम जाने पर आधारित है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद मोस्ट अवेटेड अगर आप कहेंगे ओटीटी रिलीज, वो है भेड़िया, जो कि एक्टर वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर हॉरर कॉमेडी है, जो पिछले साल 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और अब फिल्म भेड़िया अपनी 26 मई 2023 को जियो सिनेमा पर रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वो भेड़िया को घर बैठे आराम से देख सकते हैं, वो भी फ्री में। दरअसल भेड़िया का प्रीमियर 26 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा में भी किया जाएगा। अगला नंबर है सिर्फ एक बंदा काफी है ओटीटी रिलीज, यानी मनोज बाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है G5 पर 23 मई को स्ट्रीम होगी। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग कोर्ट ड्रामा 23 मई 2023 को G5 पर रिलीज होने वाली है। अगली जो वेब सीरीज है वो है सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3। एक्टर रणविजय सिंह तीसरे सीजन सिटी ऑफ ड्रीम में शामिल हो गए हैं। नागेश कुकनर द्वारा निर्देशित इस सीरीज में बहुमुखी कलाकार अतुल कुलकर्णी, प्रिया बापट, सचिन पिलगांवकर, सुशांत सिंह, एजाज खान, सिगा और कई अन्य प्रमुख भूमिका में है। ये 26 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अगला नंबर है फूबर का। फूबर अपकमिंग वेब सीरीज है। शो में लीड रोल में अर्नोल्ड जॉर्ज है, शॉर्नेगर और मोनिका बाराबोरा है। अर्नोल्ड शॉर्नेगर, बता दें आपको कि 8 एपिसोड की यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 25 मई 2023 यानी 25 मई को रिलीज होने वाली है। आखिरी जो नंबर है वो है क्रैकडाउन सीजन 2 का। क्रैकडाउन सीजन 2 साबिक सलीम, श्रिया पिलगांवकर, एजाज खान, सोनाली कुलकर्णी और अन्य स्टार्स है और ये 25 मई को जिया सिनेमा पर आप देख सकते हैं। इसका पहला सीजन ओटीटी पर हिट रहा था और दूसरे सीजन की भी ओटीटी पर हिट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।